हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम कल ओवर हो चुका है। ये एग्जाम 3 दिन कंडक्ट कराया गया, मतलब 4, 5 और 6 जनवरी को, और अराउंड 9 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 7 लाख लोगों ने ये एग्जाम दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और साथ ही साथ जो मेन्स का एग्जाम होगा इसका, उससे रिलेटेड भी बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स के बारे में। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2019 के कट ऑफ से इस साल के कट ऑफ को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हर साल जो भी एग्जाम का कट ऑफ होता है वो उसकी डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, ना कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर। और पिछले साल के कट ऑफ को देख के डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल का जो एग्जाम था एसबीआई पीओ का, वो इस साल से काफी आसान आया था। इस साल लेवल काफी ज्यादा हाई था पिछले साल के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर लोगों के अटेम्प्ट्स, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स थे, वो 80-90 के बीच के थे, और इस साल की अगर बात करें तो लोग 60-70 के बीच ही ज्यादातर अटेम्प्ट किए हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो 70 से ऊपर अटेम्प्ट्स किए हैं। तो कट ऑफ भी 2019 के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, इस साल का अलग कट ऑफ आएगा, जो कि इतना नहीं जाने वाला जितना पिछले साल गया था। तो सबसे पहले तो आप जो भी इससे रिलेटेड टेंशन थी आपके दिमाग में, उसे दूर कर दीजिए, और जिसके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। अब हम बात करते हैं इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो आप 2018 का एग्जाम देखिए, उसका लेवल और इस साल का लेवल लगभग सेम ही था। इस साल फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा था, बट हर साल के हिसाब से एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता ही है। तो जो 2018 का एग्जाम हुआ था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और 2019 की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, मतलब काफ़ी आसान एग्जाम आया था, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। बट 2020 की बात करें तो वापस से लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। अब इसमें जो मैक्सिमम शिफ्ट्स में दिक्कत आई वो ये थी कि बच्चे क्वांट में अच्छे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, क्वांट का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, और रीजनिंग भी जो थी वो भी काफ़ी शिफ्ट्स में लेंदी आई थी। और इन सब के अलावा जो इंग्लिश में आरसी था उसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, मतलब जैसे हिंदू पेपर में जो आर्टिकल आते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है, लगभग उसी से मिलती जुलती लैंग्वेज के आरसीज इस एग्ज़ाम में दिए हुए थे। लगभग हर शिफ्ट्स में 19-20 ही रहा है लेवल, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो सभी बच्चों के अटेम्प्ट्स काफ़ी कम रहे हैं, मतलब 60-70 के बीच ही रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले साल कट ऑफ गया था जनरल का वो था 71, ओबीसी का था 68.25, एससी का था 61.75, और एसटी का था 54.75। और इससे पहले जब मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था लेवल एग्ज़ाम का, उस टाइम जनरल का कट ऑफ था 56.75, ओबीसी का 54.25, एससी का 49 और एसटी का 43। मतलब आप देखिए पेपर ईजी होने से कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए 56.75 से 71 पहुंच चुका है, 54.25 से 68.25 पहुंच चुका है, मतलब 12 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट आपको इसमें देखने को मिला। तो ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि पेपर में बच्चों ने अटेम्प्ट्स अच्छे किए थे, पेपर का लेवल आसान था, जिस कारण से कट ऑफ हाई गया। अब इस साल अगर वो चीज़ देखी जाए तो इस साल पेपर का लेवल ज़्यादा था, अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा। जब 10 से 15 नंबर बढ़ सकता तो इतना गिर भी सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं देखे, जितनों के रिव्यू देखे हैं, अभी आप एसबीआई का जो मेंस का मैंने वीडियो बनाया था, एसबीआई क्लर्क का, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें जो मैंने प्रिडिक्ट किया था लगभग उतना ही कट ऑफ गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस साल जो कट ऑफ जाएगा एसबीआई पीओ के प्री का, वो लगभग लगभग 2018 के बराबर ही रहेगा हर कैटेगरी का। जनरल की बात करूँ तो जनरल में 52 से 56 के बीच ही जाने वाला है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी का कट ऑफ भी लगभग इतना ही रहेगा, 52 to 56, क्योंकि आप देखें तो क्लरिकल में भी जो कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और जनरल का, वो सेम ही था। इसमें ईडब्ल्यूएस मैंने मेंशन नहीं की है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी इतना ही रहेगा, 52 to 56 के बीच में ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जिनके भी कम अटेम्प्ट हैं वो निराश ना हों, क्योंकि कट ऑफ कम जाने वाला है इस साल। एससी की बात की जाए तो एससी का भी जो कट ऑफ जाएगा वो 50 के अराउंड ही जाएगा, और एसटी का कट ऑफ भी 45 के अराउंड ही जाएगा। तो कट ऑफ इस साल 2018 के अकॉर्डिंग ही जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल भी ज़्यादा था और बच्चों के अटेम्प्ट्स भी कम हुए। अब 60 से 70 अटेम्प्ट्स किए, इसका मतलब ये नहीं कि 60 से 70 सभी के पूरे सही होंगे। 100% एक्यूरेसी होना बहुत बड़ी बात होती है एग्ज़ाम में। इंग्लिश जिसमें इन्वॉल्व हो, लैंग्वेज कहीं पर भी, किसी भी एग्ज़ाम में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हों, तो उसमें 1-2 तो गलत होते ही होते हैं सभी बच्चों के, बहुत रेयरली ऐसे होंगे जिनके ना होते हों। तो 60 से 70 अटेम्प्ट कर लेना का मतलब ये नहीं होता कि 60 से 70 नंबर आ गए हैं, वो ले दे के टोटल स्कोर उनका कम ही बनता है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपके वैसे ही 2-2.5 नंबर बढ़ते हैं। बट अगर किसी को ये लग रहा है कि उनकी शिफ्ट्स
डिफिकल्ट आई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस शिफ्ट, तो नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे अगर किसी ने किसी शिफ्ट में 70 से 80 मारे हैं और किसी शिफ्ट में 60 से 70 ही रह गए हैं, तो उसको लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है और मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो इसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत इसमें भी नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका मेंस एग्जाम भी है और साथ ही साथ आपके 4 और एग्जाम है, जैसे 31st को RRB स्केल 1 का भी है और 4 तारीख को IBPS PO का भी मेंस है। तो तैयारी आपको कैसी करनी है, तैयारी के लिए मेरी माने तो मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे पेपर देने मत जाना। अगर आपको आगे निकलना है तो आपको GA अच्छा करना पड़ेगा अपना, साथ ही साथ इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस की मैथ्स रहती है या रीजनिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मतलब अगर एक गलती हुई आपकी तो पेपर हाथ से निकल जाएगा। तो आपको मार्क्स अगर अच्छे लाने हैं तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें आप कम समय में अच्छी मेहनत कर सकते हैं। 6 महीने का आप GA कर लीजिए, उससे बाहर का नहीं आएगा, उसी से बैंकिंग आती है। मैं भी करंट अफेयर बनाता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए रीडिंग अपनी अच्छे से इम्प्रूव करिए, विशाल सर पढ़ाते हैं हिंदू, वो आप फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें लगा लीजिए, तो आपकी रीडिंग काफ़ी उससे इम्प्रूव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।